गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने इक्विसिटम का जनरल फीचर्स को स्टडी किया था, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग जो हैं इक्विसिटम की इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसके जो भी हमारे पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, हम उनके TS सेक्शन को लेकर के और उसकी इंटरनल स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की, और ये जो डायग्राम बना हुआ है रूट का, ये इसका सेलुलर डायग्राम है। ठीक है, सेलुलर डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और दिस वन इज आउटलाइन डायग्राम। ये हम स्टेम के आउटलाइन डायग्राम के बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जब रूट का TS सेक्शन कट कट किया है उसमें सेलुलर डायग्राम जो है वो इस तरीके का शो होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट और स्टेम के TS सेक्शन को आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रूट हेयर। जहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट है, जहाँ पर हेयर प्रेजेंट है, वो सेक्शन किसका होगा, वो हमारे रूट पार्ट का होगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर के बाद में जो एपिडर्मिस की लेयर होती है उसको रूट के केस में एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा, दैट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। देन एपिब्लेमा सिंगल लेयर में प्रेजेंट होती है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। जिस पार्ट से रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं ट्रोकोब्लास्ट, ट्रोकोब्लास्ट। देन इसके बाद में 3-4 लेयर में इस तरीके का डिपोजिशन के साथ में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है, और ये हाइपोडर्मिस आप 3-4 लेयर यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो है ये प्रेजेंस शो कर रहा है लिग्निन और सुबेरिन की, इट मींस ये कौन सा टिश्यू होगा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो है ये 3-4 लेयर में आउटर जो लेयर है उसका फॉर्मेशन करता है। देन आउटर लेयर में 3-4 स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज अरेंज होंगे, उसके बाद में पैरेनकाइमेटस का टिश्यूज होगा, और ये जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं वो किसका डेवलपमेंट करते हैं, कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू करते हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन से पैरेनकाइमेटस टिश्यू से कॉर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट हुआ, और ये कितनी लेयर में प्रेजेंट है, ये 6-8 लेयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज अरेंज है, यहाँ आप कॉर्टेक्स रीजन में पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का अरेंजमेंट 6-8 लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इसका स्टीलर पार्ट जो है उसको देखते हैं, आउटर लेयर एंडोडर्मिस की। इक्विसिटम के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि हमेशा एंडोडर्मिस जो होती है वो 1 लेयर ही होती है, यहाँ पर 2 लेयर में एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, 2 लेयर जो है वो एंडोडर्मिस की ही प्रेजेंट होती है। इट मींस ये लेयर भी एंडोडर्मिस की और ये लेयर भी एंडोडर्मिस की है। तो क्या एब्सेंट हो गया है, यहाँ पर पेरिसाइकल रीजन जो है वो एब्सेंट हो गई है। ठीक है, दोनों लेयर किसकी है, एंडोडर्मिस की है, तो पेरिसाइकल एब्सेंट हो गया। ये इक्विसिटम का एक स्पेशल कैरेक्टर है कि रूट के केस में पेरिसाइकल नहीं प्रेजेंट होता। देन सेंटर वाले पोजीशन पर आपको थोड़ा सा सेल का साइज जो है वो बड़ा दिख रहा है, और ये क्योंकि रेड कलर से है मेटाजाइलम वाला पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड मेटाजाइलम, एंड पेरिफेरल पोजीशन आर प्रोटो जाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरल पोजीशन, मेटाजाइलम सेंट्रल पोजीशन पर है। कंडीशन कौन सी हुई, एग्जार्क कंडीशन। देन जाइलम सेंटर में है, और ये जो सारा लाइनिंग से ड्रॉ किया हुआ है ये कंप्लीट रीजन हमारा कौन सा है, ये हमारा है फ्लोएम रीजन। तो फ्लोएम में जाइलम एम्बेडेड है, या हम ये कह सकते हैं जाइलम को चारों ओर से घेरे हुए फ्लोएम प्रेजेंट है। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, प्रोटो स्टीलिक कंडीशन, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो था ये किसका स्ट्रक्चर है, ये रूट की इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिस पार्ट से रूट का डेवलपमेंट, रूट हेयर का डेवलपमेंट हुआ उसे हमने कहा ट्रोकोब्लास्ट, रूट हेयर प्रेजेंट है, एपिब्लेमा सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगी, 3-4 लेयर में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होंगे जो कि आउटर लेयर का या हाइपोडर्मिस वाली लेयर का
फॉर्मेशन करेंगे। देन पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होंगे, पैरेन्काइमेटस में मृदुत्तक प्रेजेंट होगा जो किसका निर्माण करेगा, कॉर्टेक्स रीजन का। और ये कितने लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ये 6 to 8 लेयर्स में प्रेजेंट होता है। देन स्टीलर पार्ट है, स्टीलर पार्ट में 2 लेयर्स ऑफ एंडोडर्मिस आर प्रेजेंट, पेरिसाइकल जो है वो एब्सेंट होता है। सेंटर में जाइलम प्रेजेंट है और फ्लोएम चारों तरफ से उसे घेरे हुए है। बीच वाला जो जाइलम है वो मेटाजाइलम है, पेरिफेरल पोजीशन पर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, इसलिए कंडीशन कौन सी होगी, एक्सार्क। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट हैं और सेंटर में हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्जॉइंट कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन। एक्सार्क मीन्स होता है कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर होगा, मेटाजाइलम सेंटर पोजीशन पर होगा और प्रोटोस्टेलिक टाइप का स्टीलर सिस्टम आर प्रेजेंट। देन इसके अंदर स्टेम वाला रीजन, स्टेम वाला रीजन जो है दो पार्ट्स में आपको मैंने बताया था, एक तो राइजोम पार्ट था और एक इसका एरियल पार्ट्स है। और क्योंकि आर्टिकुलेटेड टाइप का होता है, जॉइंटेड होता है, तो जॉइंट होने के कारण इसके बीच बीच में नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू इंटरनोड्स सेक्शन, ये इंटरनोड्स वाले सेक्शन का, ये नोड्स वाले सेक्शन का डायग्राम अलग से है। तो अभी आज की क्लास में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, इंटरनोड्स वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि इसकी जो एपिडर्मल लेयर है उसकी एपिडर्मल सेल्स में सिलिका का डिपोजिशन होता है, इसलिए इसकी स्किन जो होती है रफ होती है और उसके साथ में रिजेस एंड ग्रूव्स आर प्रेजेंट, ठीक है, उभार और गर्त पाए जाते हैं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रूव पार्ट एंड दिस पार्ट इज रिजेस पार्ट। उभार है तो रिज और अंदर की तरफ वाला पार्ट जो दबा हुआ है उसे हम कहते हैं ग्रूव्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लीफ जो है ट्रोपोफिलस एब्सेंट होती है। कौन सी लीफ प्रेजेंट होती है, कैटाफिलस, जो कि स्केली लीफ से वही प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जिगजैग फॉर्म जो है इस इंटरनोड्स वाले सेक्शन की बनी हुई होती है। सबसे आउटर लेयर किसकी होगी, एपिडर्मिस की, और एपिडर्मिस की लेयर में क्या प्रेजेंट होती है, सिलिका प्रेजेंट होती है। देन स्टोमेटा रीजन जो है वो ग्रूव्स वाले पार्ट में प्रेजेंट है। इस तरीके की ये जो लाइनिंग स्ट्रक्चर है ये कौन सा टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, दृढ़ उत्तक बोला जाता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। देन स्क्लेरेन्काइमेटस जो है वो और हाइपोडर्मिस का लेयर, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, ये दोनों मिलकर के कौन सा रीजन बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं हमारा कॉर्टेक्स रीजन। तो ये हो गया आउटर कॉर्टेक्स रीजन। देन ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ ये डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको बता दिया था कि ट्रोपोफिलस आर एब्सेंट, तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होगी वो किसके थ्रू होगी, वो यंग स्टेम के थ्रू होगी। और स्टेम के अंदर अगर इस तरीके की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो मीजोफिल्स टिश्यूज आर प्रेजेंट, पर्ण मध्योतक जिसे हम बोलते हैं मध्योतक वो प्रेजेंट होता है। और मीजोफिल्स टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पैलिसेड टिश्यू और एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर स्टेम के केस में ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है पैलिसेड टिश्यू की, जिसे हिंदी में बोला जाता है खम्ब उत्तक, ये है पैलिसेड टिश्यू। देन है हमारा मीजोफिल टिश्यू वाला पार्ट, देन इनर पार्ट जो है वो इनर कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये जो इसका ग्रूव्स रीजन है जहाँ पर ये अंदर दबा हुआ है वहाँ पर आपको एक इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है। इक्विसीटम का ये स्पेशल कैरेक्टर है कि ग्रूव्स वाले रीजन पर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है और इस कैनाल को हम बोलते हैं वेलेक्यूलर कैनाल। वेलेक्यूलर कैनाल्स जो है वो इसे एरेशन देती है, ये हल्का रहता है, ठीक है, इसे हवा के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यहाँ पर वेलेक्यूलर कैनाल जो है ये प्रेजेंट
होती है। और कहाँ पर है, ये ग्रूव्स वाले रीजन के जस्ट नीचे, देखिए हर जगह आपको ग्रूव्स रीजन के नीचे ही वेलिकुलर कैनाल की प्रेजेंस शो हो रही है। देन इसके ऑपोजिट रिजस ग्रूव्स के नीचे आपको इस तरीके से जिगजैग फॉर्म दिखाई दे रही है। सेंटर में पित्त की प्रेजेंस इक्विसिटम का भी स्पेशल कैरेक्टर है। एक तो वेलिकुलर कैनाल इसका स्पेशल फीचर है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें इस तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हाफ सेमी रिंग जो आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं कैरिनल कैनाल, दैट इज कॉल्ड कैरिनल कैनाल। कैरिनल कैनाल प्रेजेंट है एंड दिस पार्ट इज जाइलम, वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स में कैरिकलन कैनाल प्रेजेंट होती है, और इन कैरिकलन क्लान में क्या, कैनाल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये स्टेम जो है वो थोड़ा सा वेट रहता है, थोड़ा सा गीला रहता है। ये था इसका आउटलाइन डायग्राम। नेक्स्ट जो है ये है, हम इसके सेलुलर डायग्राम को देखते हैं कि जब टीएस सेक्शन में तो ये कट इस तरीके का दिखाई दे रहा है, और जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमें इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो किसकी होगी, क्यूटिकल लेयर आर प्रेजेंट। क्यूटिकल के बाद में जो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस का लेयर। रूट के केस में तो हम इसे एपिब्लेमा बोलते हैं, और स्टेम के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस की लेयर बोलते हैं। देन एपिडर्मिस के बाद में क्या प्रेजेंट होता है, इस अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस। तो 3-4 लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस। तो ये यहाँ पर 3-4 लेयर में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट, और स्टोमेटा देखिए आपको इस तरीके की कैविटी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। और इस सब स्टोमेटल कैविटी में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। ये जो दो देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, ये है हमारा स्टोमेटा वाला रीजन, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड गार्ड सेल, इनके ऊपर अदर सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी गार्ड सेल, गार्ड सेल, एंड दिस सेल इज कॉल्ड सब्सिडरी सेल। तो सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होती है जो कि गार्ड सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है। ये जिस चैम्बर में रहते हैं उसे हम कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। इट मींस यहाँ जो सब स्टोमेटल कैविटी है, ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो गई है, ये हो गई है हमारी गार्ड सेल की। और एक्चुअल में ये पोजीशन किसकी है, स्टोमेटा की, क्योंकि इसके स्टैम पार्ट ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का काम करता है। तो स्ट्रोमेटा जो होंगे वो इसके स्टेम वाले रीजन पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो 2-4 लेयर्स के बीच में स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल स्क्लेरन काइमेटस रीजन जो है वो आउटर कॉर्टेक्स का रीजन है, और उसमें सब स्ट्रोमेटल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। देन इस तरीके से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। अभी मैंने बताया कि स्टेम क्या करता है, इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का काम करता है, और ये जो स्टेम की फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है वो मीजोफिल के पैलिसेड टिश्यू से होती है। तो दिस पार्ट इज मीजोफिल टिश्यू का पैलिसेड टिश्यू रीजन। देन पैलिसेड टिश्यू इस तरीके से अरेंज है, और ये पार्ट जो हो गया ये हमारा पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स रीजन का पार्ट है, तो पैरन काइमा। देन ये लेयर ये दोनों कौन सी पार्ट है, ये कैनाल्स हैं, और ये कैनाल कौन सी कैनाल है, वेलिक्यूलर कैनाल, जो कि इसका स्पेशल फीचर है। और ये इसे क्या देता है, एरेशन सिस्टम, AER। एरेटिंग सिस्टम हवा में हल्का रखने का काम करता है। तो ये यहाँ तक हमारा कॉर्टेक्स रीजन हो गया। देन आपको ये बैरल शेप स्ट्रक्चर जो है ये दिखाई दे रही है, ये दो लेयर्स में है। एक आउटर लेयर जो होगी वो किसकी होगी, एंडो
डर्मिस रूट में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, लेकिन इस टाइम के केस में पेरिसाइकिल आर प्रेजेंट, पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। देन ये देखिए रेड कलर में आपको जाइलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस कैविटी के कारण, क्योंकि इसमें वाटर फिल होता है। और कौन सी कैविटी है ये? कैरिनल कैनाल। ये कैरिनल कैनाल की प्रेजेंस के कारण जाइलम वाले रीजन पर क्या होता है? प्रेशर पड़ता है और ये जाइलम पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए आपको दिख रहा होगा ये पोजीशन यहाँ पर और देन ये वाली पोजीशन यहाँ पर। मीन्स ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है हमारा प्रोटो जाइलम रीजन और ये वाला जो है ये हमारा है मेटा जाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट है, ये रीजन जो है ये क्या है? फ्लोएम। और दिस पार्ट इज कैरिनल कैनाल। सेंटर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, क्योंकि डायग्राम जो है वो इस तरीके से इस तरीके पे बनता है, तो यहाँ सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या प्रेजेंट होगा? पिथ प्रेजेंट होगा। इसमें क्या फिल होता है? वाटर फिल होता है, वाटर फिल्स। ठीक है, अब अगर हम स्टीलर सिस्टम देखें तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही सेंटर पर प्रेजेंट है, तो कौन सी कंडीशन? कॉन्जॉइंट कंडीशन, हिंदी में बोलते हैं सकेंद्रीय। देन कोलैटरल कंडीशन, कोलैटरल का मतलब होता है फ्लोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे कोलैटरल कंडीशन। देन क्योंकि मीजोफिल पेरिफेरल पोजीशन पर आ गया और प्रोटोजाइलम सेंट्रल पोजीशन पर है, तो एंडार्क कंडीशन। मेटाजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर, तो एंडार्क कंडीशन, MPN। ठीक है, तो ये है इसका सेलुलर डायग्राम। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंटर नोट्स का इक्विसिटम का डायग्राम बन केवल डायग्राम भी पूछ लेते हैं, स्पेशल फीचर्स भी पूछते हैं। आपको स्पेशल फीचर्स में क्या याद रखना है? वेलिकुलर कैनाल्स प्रेजेंट है जो कि इस स्टेम को एरेशन प्रोवाइड कराती हैं, कैरिनल कैनाल प्रेजेंट है जिसमें कि वाटर फिल रहता है, और उसके साथ में पैलिसेड टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर स्टेम वाला रीजन जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने का काम कर रहा है। यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम सेंटर में है, इसका मतलब है कि फ्लोएम और जाइलम जो है वो बीच बीच में इस तरीके से अरेंज होता है। तो यहाँ पर ये सारी पोजीशन प्रेजेंट होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे।